प्रकार जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक में उपयोग किए जाते हैं। तो मुख्यतः चार तरह के घूर्णकों का उपयोग किया जाता है। सबसे पहला है फिक्स्ड एंगल रोटर, जिसमें रोटर जो है वो एक पर्टिकुलर एंगल, रोटर में ही होल्स होते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के लिए और वो होल्स एक पर्टिकुलर एंगल में होते हैं, जिससे सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में जो भी हम सैंपल और ग्रेडियंट भर रहे हैं वो भी एक पर्टिकुलर एंगल पर ही होते हैं। और पार्टिकल्स जब मूव करते हैं तो ये पार्टिकल्स जो है वो रेडियली बाहर की तरफ जाते हैं और शॉर्ट डिस्टेंस को मूव करते हुए ट्यूब की वॉल से टकराते हुए धीरे धीरे स्लाइड डाउन होकर ये बॉटम पर सेटल डाउन होते हैं। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और यहाँ पर हमने सेंट्रीफ्यूगल फील्ड इस तरह अप्लाई किया है। तो जो ट्यूब की एंगल होती है जो रोटर पे होल्स में फिक्स होती है वो 14-40 डिग्री हो सकती है। तो जब ट्यूब इस तरह एक पर्टिकुलर एंगल पर फिक्स होती है तो आप देख सकते हो कि एक्सिस से जो ट्यूब और ट्यूब में भरे हुए जो पार्टिकल्स है सॉल्यूशन है उसकी जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होती है। यहाँ पे मिनिमम होगी, बॉटम पे मैक्सिमम और यहाँ पे एवरेज। तो हमेशा हम एवरेज रेडियस को कैलकुलेट करते हैं। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि किस तरह जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो जो पार्टिकल्स है वो रीओरियंट होते हैं कि सबसे पहले ट्यूब में सैंपल और ग्रेडियंट हमने भरा हुआ है जबकि कोई भी सेंट्रीफ्यूगल फील्ड अभी अप्लाई नहीं है। जैसे ही हम सेंट्रीफ्यूगल फील्ड अप्लाई करते हैं तो सैंपल और ग्रेडियंट अपने आप को रीओरियंट या पुनः व्यवस्थित करते हैं जैसे ये रोटेट होता है और सेपरेट जो कंपोनेंट है या पार्टिकल्स है वो सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के बाद जैसे ही हम सेंट्रीफ्यूज को स्टॉप करते हैं, उसकी स्पीड को कम करते हैं तो ये जो ग्रेडियंट और पार्टिकल्स है वो पुनः व्यवस्थित होते रीओरियंट होते अपनी पोजीशन लेते हैं और उस तरह पृथक्कृत होते हैं। दूसरा हम आते हैं वर्टिकल ट्यूब रोटर्स, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे वर्टिकल ट्यूब रोटर्स में जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो घूर्णन अक्ष है उसके पैरेलल होती है और सेंट्रीफ्यूगल फील्ड जो है हम इस तरह अप्लाई करते हैं तो उसके जस्ट 90 डिग्री या परपेंडिकुलर यहाँ पर होगी। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे भी जो रेडियस है वो हम तीन रेडियस में से मेनली मिनिमम मैक्सिमम के बाद हम एवरेज ही यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। जब हम सेंट्रीफ्यूज ट्यूब को ग्रेडियंट और सैंपल से फिल करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो है वो रीओरियंट होंगे सैंपल और ग्रेडियंट के। और आप देखोगे कि जो पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है मूव करने का वो बहुत कम हो जाता है क्योंकि जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है वो जस्ट एक्सिस के पैरेलल है तो वो इतनी कम डिस्टेंस पे बॉल से स्ट्राइक करके स्लाइड डाउन करने जाते हैं। इस तरह पैरेलल ही हमें यहाँ पे कंपोनेंट सेपरेट मिलते हैं। और फिर जैसे ही हम ये रोटर को की स्पीड को कम करते हैं और सेंट्रीफ्यूज को बंद करते हैं तो वापस ये सैंपल कंपोनेंट जो यहाँ पे ऐसे पैरेलल पृथक्कृत हुए थे रीओरियंट होते हैं और इस तरह अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन को रिगेन करके सैंपल यहाँ पर पृथक्कृत हो जाते हैं। तीसरे फिर हम आते हैं स्विंगिंग बकेट रोटर, जिसे स्विंगिंग जिसे हम झूला भी कहते हैं, स्विंग आउट कर जाते हैं। जब हम झूले पे बैठ के घूमते हैं तो आप देखते हो कि बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है और हम लगभग पैरेलल होते जाते हैं, लगभग हम एक्सिस से परपेंडिकुलर होते जाते हैं 90 डिग्री के एंगल पे। तो वही सिद्धांत यहाँ पे स्विंगिंग बकेट रोटर्स या घूर्णकों पर कार्य करता है। यहाँ पे जो रोटर्स होते हैं उनमें बकेट्स होते हैं जो कि बाहर की तरफ मूव करते हैं, स्विंग आउट कर जाते हैं और जैसे ही रोटर अपनी स्पीड लेता है तो ये एक्सिस से लगभग हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज में आ जाते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि ये एक्सिस है रोटेशन का, ये सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है जब रेस्ट पोजीशन में है, जब घूर्णन नहीं हो रहा है। और यहाँ पे जब जैसे ही हम घूर्णन स्टार्ट करते हैं तो ये एक्सिस से जो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब है लगभग 90 डिग्री पर आ जाती है और जो उसमें भरा हुआ सैंपल और ग्रेडियंट है वो भी उतने ही एंगल पर आ जाता है। मतलब एक्सिस से ये 90 डिग्री पे आ जाती है और सेंट्रीफ्यूगल फील्ड के पैरेलल ये हो जाते हैं। तो इस तरह के जो स्विंगिंग बकेट रोटर है इसे हम इसमें जब हम पृथक्कृत करते हैं सैंपल को तो सबसे पहले जैसे ही सेंट्रीफ्यूगल फील्ड अप्लाई करते हैं ट्यूब्स इस तरह हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं और सैंपल कंपोनेंट पृथक्कृत होने लगते हैं। और वापस जब हम सेंट्रीफ्यूज को स्पीड को कम करते हैं या बंद करने के लिए होते हैं तो ये अपनी पोजीशन को रिगेन करके वापस ये एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो ये जो स्विंगिंग बकेट रोटर है इनका उपयोग डेंसिटी ग्रेडियंट से
डिफ्यूजन टेक्निक में किया जाता है, जिससे वहाँ पे ग्रेडियंट होने के कारण जो है वो कुशन इफेक्ट देता है, जिससे वो वॉल इफेक्ट के जो डिसएडवांटेजेस है उसे थोड़ा कम करता है, क्योंकि पार्टिकल्स ट्यूब की वॉल से टकरा के फिर स्लाइड डाउन होकर नीचे सेटल डाउन होते हैं, तो बहुत जल्दी जो बड़े अधिक डेंसिटी वाले जो पार्टिकल हैं वो बहुत जल्दी सेडिमेंट हो जाते हैं, उनके साथ दूसरे पार्टिकल भी आ जाते हैं, तो उस पर वॉल इफेक्ट को ये कम भी करता है। चौथे टाइप का जो जोनल वोटर्स जिसे हम कहते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक में हम सेक्टर शेप्ड सेल का उपयोग करते हैं जिसमें चार सेक्टर होते हैं। इसे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये एक फ्लैटेंड स्फीयर की तरफ होता है, चपटे बिल्कुल गोलाकार संरचना की तरह होता है, जिसे आप इसे थोड़ा रफ यहाँ पे डायग्राम आप देख सकते हैं कि इस तरह चपटे गोलाकार संरचना का होता है, जिसे हम चार भाग में या चार सेक्टर या चार जोन में डिवाइड करते हैं। इसके क्रॉस सेक्शन को आप यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सैंपल के लिए पोर्ट होता है जहाँ से हम सैंपल अप्लाई करते हैं, और ये ग्रेडियंट के लिए पोर्ट होता है जहाँ से हम ग्रेडियंट मटेरियल को अप्लाई करते हैं। इस तरह ये ग्रेडियंट मटेरियल सैंपल यहाँ के मिलते हैं, और जब हम सेंट्रीफ्यूज स्टार्ट करते हैं तो वो ओरिएंट होके रीओरिएंट होके अपनी अपनी पोजिशन पे इस तरह से सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये जो जोनल रोटर्स हैं इनका इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें हम कम मात्रा के सैंपल को भी सेंट्रीफ्यूज कर सकते हैं। बाकी जो सेंट्रीफ्यूगेशन तकनीक थी, जब हमने टाइप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूजेस पढ़ा था उसमें भी देखा था कि सैंपल जो है उसका वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, 10 ml 15 ml इतना अगर हमारे पास साइज हो वॉल्यूम हो तो हम उन्हें पृथक कर सकते हैं, लेकिन अगर सैंपल का साइज कम हो तो हम जोनल रोटर्स की हेल्प से उन्हें इजीली पृथक कर सकते हैं। साथ ही ये वॉल इफेक्ट्स की जो कमियां हैं उसे भी कम करता है। तो इस तरह ये चार गुणों का उपयोग सेंट्रीफ्यूज तकनीक में किया जाता है।